अरे कृष्णा, सो रिसेंटली एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट आई थी हमारी इस्कॉन की गौशाला में, और उन्होंने बताया कि वेल मैं गई थी इस्कॉन की गौशाला में और वहाँ पर बछड़े हैं ही नहीं। इसका मतलब इस्कॉन गाय को बछड़े को बूचड़ खाने भेज देता है। तो क्या वाकई में ऐसा है? और जो ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट जितने भी हैं उनके प्रति हमारे हृदय में तो खैर उद्गार हैं, अप्रिसिएशन है कि वो निश्चित रूप से एनवायरमेंट के लिए, पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन हाँ, इस्कॉन को लेकर के थोड़ी उनको गलतफहमी है, तो हमने सोचा एक वीडियो बनाया जाए उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए। तो जो हमारा मेन टेंपल है इस्कॉन वृंदावन का टेंपल, उसके बिल्कुल पीछे है ये गौशाला। ये 12 एकड़ का स्थान है जो कि वृंदावन के बिल्कुल सेंटर में आता है, बड़ा मुख्य स्थान है, परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल बगल में है। तो ये स्थान हमने डेडिकेट किया है, 12 एकड़ का ये स्थान हमने डेडिकेट किया है गौ माता की सेवा में। चाहते तो हम यहाँ पर मंदिर बना लेते हैं या फिर गेस्ट हाउस बनाते, पर नहीं, गौ माता की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम आए हुए यहाँ पर इस्कॉन वृंदावन की गौशाला में, तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इस्कॉन की गौशाला के अंदर गौ माता की सेवा होती है। आइए चलते हैं। ऑलराइट, तो ये वो है इस्कॉन वृंदावन गौशाला का वो पार्ट जहां पर बुजुर्ग गाय रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो इस्कॉन है वो सिर्फ उन्हीं गाय को रखता है जो दूध देने वाली है, क्योंकि हमारे लिए वो सिर्फ एक मिल्क मेकिंग मशीन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा सेक्शन डेडिकेटेड है उन गायों के लिए जो कि अब दूध नहीं देती हैं, क्योंकि वो हमारी माता हैं और माता की सेवा तो हर परिस्थिति में करनी होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ करीब 25 ऐसी गायें हैं जो कि अपने लाइफ के सेकेंड पार्ट में हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर इनकी भी सेवा होती है। गौ माता की जाए। सो ये है इस्कॉन वृंदावन की गौशाला में वो सेक्शन जहाँ पर की बीमार गाय रिकवर करती हैं फ्रॉम बैड हेल्थ। तो यहाँ पर 4 बैल हैं, जैसे आप इनको देख सकते हैं, इतना सुंदर बैल है, और साथ ही 12 गाय भी हैं, दे आर रिकवरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ। तो यहाँ पर डॉक्टर भी आता है जो कि इनका इलाज करता है, साथ ही डिवोटीज भी आते हैं, इनको प्रेम करते हैं, और साथ ही हर्ब्स भी दी जाती हैं ताकि वो अपनी हेल्थ रिकवरी जितनी जल्दी हो सके कर सके। तो यहाँ पर ये पूरा सेक्शन इन्हीं को ही डेडिकेटेड है। ओके, गौशाला में ऐसे ब्रशेस की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि कभी कभी गौ माता या बैल अपनी बॉडी को रब करना चाहते हैं, क्योंकि वो रब के धाम में है यहाँ पर, तो इसलिए वो रब करना चाहते हैं, तो इसलिए ये व्यवस्था भी उनके लिए की गई है। सो दे कैन रब देयर बॉडी विद दिस। सो ये वो एरिया है जहां पर गौ माता अपने बछड़ों के साथ बाहर विहार भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं वो अंदर ही अंदर रहती हैं, यहाँ उनको धूप भी मिलती है और यहाँ विचरण करने के लिए, वॉक करने के लिए भी स्थान है गौ माता के लिए के पास। आप देख सकते हैं कितनी सहिल है, मैं यहाँ पर एलियन हूँ देखा जाए तो, एन आउटसाइडर, लेकिन फिर भी कितने स्नेह से, कितने प्यार से वेलकम करने के लिए आई हैं। और ये सारा एरिया इनके लिए ही है, वो एरिया भी उन्हीं के लिए है तो जहाँ पर ये विहार करती हैं, चलती हैं। सो गौ माता अपने बछड़ों के साथ। ओके, तो अब ये वो सेक्शन है जहाँ पर सारे बैल ही बैल हैं। अक्सर लोग बैल को बेच देते हैं, क्यों? क्योंकि बैल से दूध तो आता नहीं है, तो क्या करें फिर, कुछ नहीं, इसको कसाई खाने बेच देते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमें बैलों की भी सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं जो गौ माता है वो तो दूध देती है तो गौ को पालेंगे और बैल, अरे बैल से क्या मिलना है, तो इसको बूचड़ खाने भेज देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसे कई लोग हैं जो कि बैल को त्याग देते हैं, उस बैल की यहाँ पर सेवा की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे बैलों के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है, चारे के लिए, घूमने फिरने के लिए। ये सुंदर सी आवाज़ अभी आपने सुनी, बैल की सुनी आपने, तो इस तरह से बैलों की भी सेवा करनी चाहिए। अक्सर लोग बैल को बेच देते हैं और एक ही बैल रखते हैं कि उसी से ही सबकी ब्रीडिंग कराई जाएगी, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आने वाली जनरेशन में जो दूध देने की कैपेसिटी है वो गाय की कम हो जाती है, बिकॉज नाउ दे बिलोंग टू सेम फैमिली। तो इसलिए बैलों की होने की भी अपनी आवश्यकता है, तो हमें गौ माता की सेवा भी करनी चाहिए और साथ साथ में बैलों की भी सेवा करनी चाहिए, ये भी काउ प्रोटेक्शन का पार्ट है। और आप देखेंगे यहाँ पर हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चलता रहता है ताकि यहाँ पर जो बैल हैं वो अच्छा चारा भी पाएं और साथ ही भगवान का नाम भी सुने। तो कभी कभी ये भी आपत्ति जताई जाती है कि भला ऐसे रस्सी क्यों बांधी हुई है, छोड़ देना चाहिए इनको। ऐसे अगर आप जितने बैल यहाँ देखेंगे ना, उनमें किसी को भी रस्सी नहीं है, वो खुल के विहार यहाँ कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो नॉटी थोड़े से होते हैं उनको थोड़ी रस्सी बांधी जाती है, जस्ट टू कीप देम इन डिसिप्लिन, कि बाकी लोग थोड़ा सुरक्षित रहें और कुछ नहीं, अदरवाइज दे कैन रोम अराउंड फ्रीली। तो सारा स्थान इन्हीं के विहार करने के लिए है। हरे कृष्णा। ओके, तो ये वो सेक्शन है जहां पर उन गायों को रखा जाता है जो दूध देती हैं।
पर यहाँ पर 350 गौ वंश हैं, जिसमें बैल भी हैं, गाय भी हैं, बछड़े भी हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 25 ऐसी गायें हैं जो दूध देती हैं। तो वास्तव में हमारी इस गौशाला के अंदर सेवा होती है गौ माता की, उनको माता मानते हुए, उनको मिल्क मेकिंग मशीन, मिल्क गिविंग मशीन मानते हुए नहीं। तो इसलिए आप देख रहे हैं ये वो सेक्शन है और इनकी यहाँ पर अच्छे से सेवा की जाती है, अच्छा फॉडर दिया जाता है इनको, और उस दूध को सबसे पहले दिया जाता है बछड़े को, क्योंकि गाय के दूध पे सबसे पहला अधिकार है बछड़े का। एस्पेशली जब गाय को बड़े प्यार से रखते हैं, उसको अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए चलते हैं, तो गाय ढेर सारा दूध देती है। तो जब बछड़े का पेट भर जाता है, उसके बावजूद भी बहुत सारा दूध बचता है और उस दूध से सेवा होती है यहाँ पर इस्कॉन वृंदावन में राधा श्याम सुंदर जी के भोग को बनाने में। भगवान को भोग लगता है और उसी को प्रसाद के रूप में जनमानस में बांटा जाता है। तो आप देख रहे हैं ये है नील गाय का बच्चा और ये बहुत ही मासूम है, बहुत ही प्यारा है। ऐसे इसकी माँ को करंट लग गया था तो मर गई थी, तो ये बेचारा अनाथ हो गया। तो भक्तों ने क्या किया, उसको यहाँ पर लेकर के आए और यहाँ पर इसकी बात बड़े प्यार से सेवा चल रही है। आप देख रहे हैं बिल्कुल हिरण जैसा दिखता है ये, वेरी इनोसेंट, वेरी प्योर। हरे कृष्णा। अब हम अलग अलग जगह गए लेकिन यहाँ पर मुझे बछड़े तो दिखे नहीं। इसका मतलब इस्कॉन सारे बछड़ों को बूचड़ खाने भेज देता है ना। आइए यहाँ पर कुछ बड़े प्यारे प्यारे बछड़े भी हैं हमारे साथ। यस। तो बछड़ों का अक्सर अलग सेक्शन होता है। सो अगर कोई व्यक्ति हमारी गौशाला में आता है, मान लो वो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, लेकिन वो बछड़ों के सेक्शन में आता ही नहीं है और वो कंक्लूड करे इसका मतलब इस्कॉन क्या करता है, बछड़ों को बूचड़ खाने भेज देता है। अरे मैडम आइए ना, देखिए ना कितने प्यारे प्यारे बछड़े हैं, और भी बहुत सारे बछड़े हैं अंदर, पर यहाँ बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर बछड़े हमने देखा, तो इसलिए वी आर कवरिंग देम। बट यस, बछड़ों के लिए अलग सेक्शन होता है और साथ ही बछड़ों को मौका भी मिलता है कि वो अपनी माँ से मिले। जैसे कि अभी हम बाहर मिले थे तो वहाँ पर बछड़े अपनी माँ से मिलते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसको थोड़ी लगी हुई है भूख, सो इसलिए हमें थोड़ा तो इनकी सेवा करनी चाहिए, राइट? सो आई थिंक वी शुड गेट सम लड्डूज फॉर देम। सबकी बारी आने वाली है। हाँ जी हाँ जी, ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देख रहे कितने प्यार से गौ माता सेवा को स्वीकार करती हैं। तो यहाँ प्यारे प्यारे बछड़े हैं, इनको बूचड़ खाने बिल्कुल नहीं भेजा जाता और इनकी सेवा भी की जाती है। और ऐसे नहीं, उन्हें वीडियो के लिए जो है बढ़िया बढ़िया सीन आपको दिखाएं, आप भी कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर और गौशाला में गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो ये जो आपको वीडियो में हम दिखा रहे हैं ना, ये सब आप खुद भी एडवेंचर इसका आस्वादन कर सकते हैं। एले मैया, आ जा, आ जा, ओके 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 ओके। ये बलराम है, हाँ दाऊ जी, आपास लो जी, ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओप किसको दे, आपकी बारी। ओके 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 ओके, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। सो पर इनका प्यार, ओ माय गॉड, इसलिए गौ माता के साथ हम प्यार भी करते हैं, गौ माता हमसे भी ढेर सारा प्यार करती है। एज यू कैन सी, सच वार्म लविंग हॉस्पिटैलिटी, हरि वो। ओके हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं BGISP यानी भक्ति वेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, और यहाँ पर ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो गुरुकुल को लेकर के हम आएंगे एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, लेकिन अभी हम आज कवर करने हैं गौशाला को भी और उन्हीं गैया के साथ ये बच्चे खेलते भी हैं, शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। सो आइए चलते हैं गौशाला के अंदर। हरे कृष्णा, गौ माता की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आइए चले गौशाला की ओर। तो यहाँ पर इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल में यहाँ पर जो मैं आया हुआ हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत सारी सुंदर गौ माता है। ये पूरा सेक्शन है जो कि बछड़ों को डेडिकेटेड है और यहाँ पर गौ माता भी है, उनके लिए पौष्टिक चारे की भी व्यवस्था है, भर पेट। इनफैक्ट वृंदावन के अंदर अगर कोई भी गाय है जो घायल है और उसके पास खाने को नहीं है, बेचारी भूखी है, तो ऐसी स्थिति में उस गाय को यहाँ पर लाया जाता है, उसका इलाज कराया जाता है और उसको पौष्टिक चारा भी खिलाया जाता है। और यहाँ पर शुद्ध पानी की व्यवस्था भी है। ये टोटल 7 एकड़ का स्थान है, तो वहाँ पर भी काउ शेड है, वहाँ भी देखना है गौ माता है,
वहाँ बैल भी हैं, यहाँ पर भी गौ माता है। यहाँ पर वो गौ माता है जो कि अभी दूध नहीं दे पाती हैं, लेकिन उनकी भी यहाँ पर सेवा होती है। यहाँ देख रहे हैं सभी गौ माता यहाँ पर, दे आर हैविंग पार्टी, कि मैं हूँ, ये गौ माता है और ये हमारी पावड़ी ओड़ी है। हरि बोल, जय गौ माता की जय। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने ये प्यारे प्यारे बछड़े हैं, सो मेनी वंडरफुल काव्स। तो ऐसा नहीं कि बछड़े जो है बूचड़ खाने भेज जाते, देखिए कितने सारे यहाँ प्यारे प्यारे बछड़े हैं और बड़े प्यार से मिल भी रहे हैं। अभी थोड़ा डरे डरे हैं क्योंकि मैं यहाँ नया नया हूँ, इसीलिए अदरवाइज हम तो प्यार करते हैं आपसे। आई लव यू, आई लव यू। ओके, सो पॉलिथीन को गौशाला से दूर रखें, तो इस गौशाला में किसी प्रकार का पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं होता है। शहरों में हमारी गौ माता पॉलिथीन ही खा रही है, गॉड एट्रोशियस। और यहाँ पर देखिए पॉलिथीन का इस्तेमाल एब्सोल्युटली बैंड है। सो ये है विनोद आराध्य प्रभु जो कि गौ माता की सेवा करते हैं, यानी ये डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। चाहे किसी भी गाय को जो यहाँ पर है या जो वृंदावन में कहीं से भी गाय लाई जाती है तो उनका इलाज करते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानों का होता है ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, और यहाँ पर गौ माता के लिए भी है यहाँ पर इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ पर वृंदावन के अंदर जितने भी घायल गाय हैं उनको लेके आते हैं यहाँ पर, उनका इलाज होता है। देखने यहाँ पर जैसे मरहम लगाया हुआ है, ये घायल हो चुकी है मैया, लेकिन यहाँ पर इनकी सेवा हो रही है। तो पूरा सेक्शन डेडिकेटेड है ऐसी काउस के लिए, ऐसी गौ माता के लिए जो घायल हैं, उनको देखने वाला कोई भी नहीं है। सो इसको वृंदावन गुरुकुल के अंदर ये स्पेशल यूनिट बनाया गया है ताकि ऐसी गौ माता की सेवा की जा सके। सो वी प्रे फॉर योर सून रिकवरी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मैं वो शेती पालघर डिस्ट्रिक्ट में ये जो सुंदर सी गौशाला है जहाँ पर ये सुंदर सुंदर गायें हैं, यहाँ पर आज मैं इनके दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ। ये मुंबई से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पे हैं और यहाँ आप देख रहे हैं अभी ये बछड़े हैं और गौ माता हैं। सो दैट इज इनका अफेक्शन, इनका स्नेह, ये देखते बनता है। तो भगवान को भक्त वत्सल क्यों कहते हैं, ये एक्चुअली इनके स्नेह को एक्सपीरियंस करके पता चलता है कि वत्स में कितना ज़्यादा स्नेह होता है, गाय के अंदर कितना स्नेह होता है और उसकी आंखें किस तरह से करुणा से भरी हुई होती हैं। तो ये यहाँ पर आ करके ही हम अनुभव कर सकते हैं जब गौ माता के बीच में हम रहते हैं। सो दैट मीन्स गौ माता से हम अफेक्शन सीख सकते हैं, स्नेह सीख सकते हैं। इवन अगर कोई गाय को जहर खिला देता है ना अगर, तो भी उसके दूध में जहर नहीं जाता, उसके दूध में फिर भी अमृत रहेगा। जहर वो अपने पास रखती है लेकिन अमृत वो बांटती है। सो दैट मीन्स श्री प्रभुपाद बोला करते थे द काउज मिल्क इज लिक्विड रिलीजन, यानी कि धर्म का तरल रूप है गौ माता का दूध। तो उनका स्नेह देखिए एक्चुअली, जस्ट सी, मैं यहाँ पर एक स्ट्रेंजर हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, जस्ट सी द काइंड ऑफ अफेक्शन दे आर शावरिंग अपॉन मी। सो दैट फेज हम इनसे सीखते हैं कि रिश्तों के अंदर प्यार सेल्फलेसली कैसे इन्फ्यूज किया जाए, ये हम सीखते हैं एक्चुअली गौ माता से। तो इसीलिए और ही किसी जानवर के साथ माता इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन गौ माता के साथ माता इस्तेमाल होता है, बिकॉज शी इज एक्चुअली सो मदरली। एक समय किसी ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से किस जानवर का दूध सर्वश्रेष्ठ है, प्रभुपाद जी ने कहा भैंस का। तो भक्त बोला श्री प्रभुपाद मुझे लग रहा था आप बोलेंगे गाय का, प्रभुपाद ने कहा गाय जो है जानवर नहीं है, तुमने पूछा था किस जानवर का दूध सबसे अच्छा है, जो गाय है वो जानवर नहीं है एक्चुअली, सबसे बेहतरीन कंपेनियन है मनुष्य जाति की वो है गौ माता एक्चुअली। तो इसीलिए हमको गौ माता को फिर से अपने कल्चर में फिर से वापस लेकर के आना है। श्री प्रभुपाद जी बोला हमारी कम्युनिटी होनी चाहिए जहां गुरुकुल हो, गौ माता की सेवा हो, और वहां पर बचा हुआ समय जो है खेती बाड़ी करने के बाद यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू चैंट हरे कृष्णा, स्टडी श्रीमद् भागवतम, लव द काउज एंड बी हैप्पी। So we can be really happy in association of mother cow. So इसीलिए उस संस्कृति में हमें फिर से जाना है। ये जो सिटी लाइफ है इसमें हमारी सिटी बजी हुई है और सिटी बजती रहेगी हमारी, बट यू हैव टू कम बैक टू दिस नेचुरल वे ऑफ लाइफ। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर गोपाल कृष्ण गौशाला में। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो बछड़ा है वो दूध पी रहा है, यानी कि गाय के दूध पे सबसे पहला अधिकार बछड़े का ही होता है। तो ये अगेन गोपाल कृष्ण गौशाला है जो कि इस्कॉन के डिवोटीज ही मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से बछड़े को एनकरेज किया जा रहा है कि वो अपनी माँ का दूध पिए। और ऐसा नहीं कि ये वीडियो बनाने के लिए हमने इसको इसके पास लेकर गया है, कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाय और बछड़े का जो सुंदर रिश्ता है उसको यहाँ हाईलाइट किया जाता है। अगेन बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि गाय को हम खिलाएंगे तो हमें
हमारा हाथ काट लेगी, नहीं, शी इज सो डेलिकेट, शी इज सो लविंग, वो हमारे हाथ को कभी नहीं काटेगी। आप देख रहे हैं मेरा हाथ उसके मुंह के एकदम पास है, पर कुछ भी नहीं होता। शी जस्ट टेक द गुड एंड बिकॉज शी इज वेरी वेरी गुड। खाओगे जी? देख रहे हैं यहाँ पर चारा आया हुआ पूरा ट्रक भर करके गौ माता की सेवा में, और ये पूरा ट्रक का जो चारा है ये करीब होता है 80,000 रुपए का, और कितने चले गए? सिर्फ 8 दिन। सो हमारे इस्कॉन के डिवोटीज हैं जो कि अपने जेब से खर्चा करते हैं गौ माता की सेवा में। अभी यहाँ पर ये धान का है, यानी कि गेहूं का जो रेसिड्यू होता है ओला चारा है, इसके बाद चावल का भी यहाँ पर आएगा। तो हर प्रकार की वैरायटी दी जाती है गौ माता की सेवा में। सो आप देख सकते हैं इस चारे को, एंड इट इज ऑल बीइंग डन बाय इस्कॉन डिवोटीज सेल्फलेसली फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। इस प्रकार से इस्कॉन की पूरी भारतवर्ष में करीब 60 गौशालाएं हैं जहां पर बड़े स्नेह से इस्कॉन के डिवोटीज गौ माता की सेवा करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस्कॉन कानपुर की गौशाला है जहां पर गौ माता की बड़ी प्रेम के साथ, बड़ी स्नेह के साथ सेवा होती है। इसी प्रकार से इस्कॉन अनंतपुर जहां पर की एनवायरमेंटलिस्ट और एनिमल राइट एक्टिविस्ट विजिट पता नहीं की या नहीं की, लेकिन उनको ऐसा लगा कि इस्कॉन हिंसा करता है गौ माता के प्रति। लेकिन आप अनंतपुर की गौशाला में आप ही स्वयं जा सकते हैं। आप यहाँ पर इन क्लिप्स को देख रहे हैं, ये अनंतपुर गौशाला की क्लिप्स हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि गोपाल के नाम से विख्यात है, यानी कि गौ माता की सेवा करने में भगवान श्री कृष्ण विख्यात है। तो भला भगवान श्री कृष्ण के भक्त गौ माता के प्रति हिंसा कैसे कर सकते हैं? सो इस्कॉन डिवोटीज वेरी लविंगली दे सर्व द मदर काउ बिकॉज मदर काउ इज वेरी डियर टू कृष्ण। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ गौशालाओं को कवर किया। सर्टनली वी डू नॉट क्लेम दैट वी आर द बेस्ट, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह सकती हैं। हालांकि हम गौ माता की सेवा करने का भरसक प्रयास करते हैं कि सबसे उत्कृष्ट सेवा हो गौ माता की, लेकिन किसी प्रकार के फीडबैक के लिए हम लोग हमेशा ओपन रहते हैं। तो इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप कभी भी किसी भी गौशाला में जाते हैं वहाँ पर गौ माता की सेवा खुद करते हुए देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज जो वीडियोस बनाए तो वीडियो दिखाने के लिए हमने ब्राइट साइड दिखा दी और जो डार्क साइड है उसको छुपा छुपा के रखा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अगर कोई भी एनिमल राइट एक्टिविस्ट है या फिर एनवायरमेंटलिस्ट है, अगर उनको किसी भी प्रकार का संशय होता है अबाउट इस्कॉन गौशालाज, शी कैन ऑलवेज कम टू अस, वी ऑलवेज वेलकम द फीडबैक। आए हमें बताएं और हम यहाँ पर उनके फीडबैक के आधार पर इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।